अस्सलामुअलैकुम, मैं वकास अली अतारी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, आज हमने एक डिज़ाइन तैयार करना है जो कि वुड ग्रेन बनाए जाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं और उसके लिए क्या यूज़ करना होता है और किस तरह से यूज़ करना है। ये हमने एक डाई इस्तेमाल करेंगे, ये एक रबड़ की डाई है, इसके साथ हम ग्रेन निकालेंगे जो कि वुड शेप में आएंगे। बिल्कुल आपको एक रियल जो है वुड नज़र आएगा लकड़ी की शेप में, तो वो आपको बना के दिखाएंगे किस इसके साथ कौन से इफ़ेक्ट हम निकाल सकते हैं और किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक शेड जो है डार्क ब्राउन इस्तेमाल किया है जो कि वुड शेड में आ जाता है, और दूसरा इसके साथ जो है गोल्डन ब्राउन भी शेड, वो भी वुड में इस्तेमाल होता है। ये दोनों शेड इस्तेमाल करेंगे। इसको दो साइडों पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जो सेंटर में हमारी जगह होगी उसमें गोल्डन ब्राउन की शेड लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा एक कलर का भी एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से हो जाए और इसकी लुक भी अच्छी बन जाएगी। है ये भी ब्राउन शेड में और वो भी ब्राउन शेड में, ये डार्क ब्राउन है, वो गोल्डन ब्राउन है, थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंस आ जाएगा ताकि थोड़ा सा इसे निखार में भी फ़र्क आ जाए और इसकी शेप्स भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हमने इस तरह से इसको सिंपली कलर अप्लाई कर लेना है। दूसरा भी एक बार शेड लगाकर फिर इसको हमने अलग अलग से एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा गोल्डन शेड में आ जाता है। ये वाला जो शेड है इसका है 687 नंबर और ये जो शेड है इसका है 684 नंबर। ये दोनों ही वुड शेड में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एक वुड ग्रेन बनेंगे फार्मिका टाइप, तो इसको हमने एक दूसरे के बीच में मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने करके इसको एक बार टपिंग करके फिर जस्ट हमने सीधी लाइन इसकी खींचनी है, उसके बाद जो है वो हम डाई के साथ इसको अपने डिज़ाइन की तरफ लाएंगे। ये कलर को बार बार अप्लाई करना मकसद यही होता है कि इसमें जो कमी बेशी होती है इसका जो कलर लगने का जो कम ज़्यादा कहीं लग जाता है या खुश्कपन होता है उसके लिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक अपनी जगह पे आ जाता है। क्योंकि जब भी ये थोड़ा सा खुश्कीपन देगा तो तब इसकी जो क्वालिटी में बहुत सारा फ़र्क नज़र आ जाता है, तो इसलिए इसको बार बार अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये हमारा शेड अप्लाई हो गया, तो अब हमने इसको जस्ट सीधी ऐसी लाइनें खींच कर इसको फार्मिका टैप बनाएंगे, उसके बाद जो है डाई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपली इसको इस तरह से हमें चलाना है। पहले ये आप सिल्क की छत वाले जो बाट पट्टियाँ होती हैं उस पर भी बना सकते हैं और जो कि आपकी वॉल्स होती हैं उस पर भी बना सकते हैं।
ये देखिए एक बिल्कुल एक फार्मिका शेप आ गया, और अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये वाला जो साइड है इसको हमने यूँ रख लेना है नीचे से। ये देखिए बिल्कुल एक लकड़ी की शेप आ जाएगी इसमें। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ी थोड़ी एक जगह खाली छोड़कर, अगर साथ साथ मिलाकर करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो इतना जो कम से कम इसका जो फ़र्क है वो आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान एक ग्रेन बन जाते हैं। वैसे इसके डाई के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी आपको। तो इसके साथ बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ये एक पेंट वाली दुकान से आम ही मिल जाती है, तो ये इतना महंगा आइटम भी नहीं है, और आप आसानी से इसको घर में शेप एक बिल्कुल वुड शेप तैयार कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।